हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। आज आप वीडियो थ्रू इम्प्लीमेंट करसू थोड़ी केवी थ्योरी। ऑलरेडी मैं HTML ना फर्स्ट प्रेक्टिकल वीडियो अपलोड करी दीधो, तो तमने लिंक डिस्क्रिप्शन में मिली जाए। पर HTML शू है तमने वर्ड साथ आज हूँ परिचित करावड़ीश। सौथी पहेला तो आप जाए कि HTML नो फूल फॉर्म शू है। तो फूल फॉर्म है HTML स्टेन्ड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम आज चार लैंग्वेज आपेला चार अलग अलग वर्ड्स आपेला है, एनो मीनिंग शू है एनू हम आप डिस्क्रिप्शन में समझवा कोशिश करशू। तो अँ आपेलू है इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजिस एंड वेब एप्लिकेशन। मतलब कि जयरे आप वेबसाइट बनावी हुई तरह HTML यूज कर। तो हम आप समझिए कि हाइपर टेक्स्ट को कहवा। हाइपर टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, अ टेक्स्ट हेज अ लिंक विद इन इट इज अ हाइपर टेक्स्ट। मतलब कि आप रियल लाइफ में घनी वक्त एक्जाम्पल जुएलू है क्लिक हियर, ये आप शब्द वाँचीए थे एनी पर जैसे क्लिक करिए तो आप कोई बीजा ज पेज पर पूछी जाए, तो ये हाइपर टेक्स्ट। जयरे अँ मैं एज लखेलू है वेनेवर यू क्लिक ऑन अ लिंक विच ब्रिंक्स यू टू अ न्यू वेब पेज यू हेव अ क्लिक्ड ऑन अ हाइपर टेक्स्ट। मतलब कि जे क्लिक हियर आप जो लखेलू है ये कहवा हाइपर टेक्स्ट। जो आप क्लिक करते एवं आप वेब पेज में हटी ने कोई नवा वेब पेज पर जता रहूँ। हवे मार्कअप लैंग्वेज कोने आवे? अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ कम्प्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज टू अप्लाय लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशन्स टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मतलब कि मार्कअप लैंग्वेज है ये एक टाइपन लेआउट है। आप जो पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाए यम आप जवा मिली कि एम के अलग 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 लेआउट आपेला हो। अमुक में आप ओनली टाइटल आप अमुक में टाइटल विथ क्लिप आर्ट्स फ्लो चार्ट्स ए बधुं आपणे इम्प्लिमेंट करीए। तो बधुं जे आपणे इम्प्लिमेंट करिए तो एवं लेआउट अपन ने कोई HTML में पण प्रोवाइड करवामां आवे छे, तो तेने मार्कअप लैंग्वेज एक हिस्सो है। मार्कअप लैंग्वेज मेक्स टेक्स्ट मोर इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक। आपने खबर है कि वेब पेज ना बे टाइप्स है, स्टेटिक एंड डायनेमिक। तो मार्कअप लैंग्वेज है अपन ने डायनामिज्म अपन ने प्रोवाइड करे, क्योंकि के लेआउट अपन ने केव जो है ये अलग अलग टाइम बदलता रहे अपनी विशेष। देट्स वाय मार्कअप लैंग्वेज है अपन ने सपोर्ट करे डायनेमिक बनवा। इट केन टर्न टेक्स्ट इन टू इमेजिस टेबल्स लिंक्स इटीसी। मतलब कि आप दर वक्त सपोज के आप टेक्स्ट लखीए छे हाइपर टेक्स्ट, तो मार्कअप लैंग्वेज अंदर क्यारेक आपणे एमां इमेज पण नाखवी होय छे, क्यारेक आपणे टेबल्स अलॉट करवा होय छे, क्यारेक एमां लिंक्स अप्लाय करवी होय छे। तो ए जे डायनामिज्म छे ए आपणे जे पूरू करवू होय तो मार्कअप लैंग्वेज आपणने सपोर्ट करशे। हवे एनो यूज मैं अहीं पहेला ज कीधुं के वेबसाइट बनाववामां थाय छे वेब पेजिस एंड वेब एप्लिकेशन्स, तो हूँ अहीं एनी विशे थोड़ी केवी माहिती आपीश। वेब पेज कोने कहे? अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉमनली रिटन इन HTML एंड ट्रांसलेटेड बाय अ वेब ब्राउजर। मतलब कि आपणे HTML, CSS, JavaScript एंड घणी बधी हाई लैंग्वेजिस छे, जेम के बूटस्ट्रैप, एंग्युलर जेएस, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, ए बधी लैंग्वेजिसनो आपणे यूज करीए छीए वेब पेज बनाववा माटे। तो अहींया आपेलू छे के वेब पेज छे ते एक्जेक्टली HTML નો જ યુઝ કરેલું હોય છે અને HTML માં જ એ બનાવવામાં આવેલું હોય છે ડોક્યુમેન્ટ, અને આપણે જ્યારે એ યુઝ કરીએ તો એ વેબ બ્રાઉઝર દ્વારા ટ્રાન્સલેટ કરવામાં આવેલું હોય છે। અ વેબ પેજ કેન બી આઈડેન્ટિફાઈડ બાય એન્ટરિંગ એન URL। મતલબ કે આપણે www.google.com જે લખીએ છીએ એનાથી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ કે તે જે વેબ પેજ છે તે ગૂગલનું છે। હવે લાસ્ટ ટર્મ, અ વેબ પેજ કેન બી ઓફ ધ સ્ટેટિક ઓર ડાયનેમિક। જેમ મેં હમણાં કીધું કે વેબ પેજના બે ટાઈપ્સ હોય છે, સ્ટેટિક અથવા ડાયનેમિક। થેન્ક્સ અલોટ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। આ વિડીયો થ્રુ તમને હાઇપર ટેક્સ્ટ માર્કઅપ લેંગ્વેજ આ જે વર્ડ છે એ તમને ડિટેલમાં સમજમાં આવી ગયો હશે। સો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો, એન્ડ મારી ચેનલ પર તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।